सो अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के ऊपर चाइनीज़ हैकर्स ने 40,000 से ज़्यादा साइबर अटैक्स कर दिए हैं पिछले 5 दिनों में। और महाराष्ट्र के साइबर सेल ने ये बात बोली है कि दिन ब दिन वो अपने अटैक्स को और इंक्रीज कर रहे हैं। सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि चाइनीज़ लोगों ने इंडिया के ऊपर साइबर अटैक्स कर दिए हैं और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं साइबर अटैक्स, किन किन जगहों पे वो लोग ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को ओवर द इंटरनेट हम लोग कैसे सिक्योर रख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो अभी 2-4 दिनों से ये न्यूज़ आ रही है कि चाइनीज़ लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, साइबर अटैक्स करना, इवन दूसरे अटैक्स भी। एंड साथ के साथ थोड़ा ऐसा भी सुनने में आया कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ साइबर अटैक हुए हैं। सो जो साइबर अटैक्स हुए हैं और कहां कहां हुए हैं उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सो पहले ये 2 न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने अपनी स्क्रीन पे खोले हुए हैं, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आर्टिकल्स जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ओवरऑल जो इसके अंदर है वो आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बताया गया कि 40,000 से ज़्यादा साइबर अटैक अभी हो चुके हैं इंडिया के ऊपर, और ये बात महाराष्ट्र साइबर सेल ने शेयर करी है। एंड जो अटैक वो चाइनीज़ लोग कर रहे हैं वो है डिनायल ऑफ सर्विस, आईपी हाईजैकिंग, फिशिंग। सो ये सारी टेक्निक्स वो अपना रहे हैं साइबर अटैक करने के लिए, हैक करने के लिए। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिमांशु दुबे, डायरेक्टर ऑफ क्विक हिल सिक्योरिटी लैब्स, टोल्ड न्यूज़ 18, ओवर द पास्ट फ्यू डेज वी हैव सीन सम वेल कैलिब्रेटेड अटैक टारगेटिंग इंडिया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग मालवेयर दैट आर डिजाइन टू कम्युनिकेट विद CNC, जो होता है कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स बेस्ड इन चाइना। एज पर दीज अटैक क्रिप्टो माइनर्स एंड रिमोट एक्सेस टूल, मतलब क्रिप्टो माइनर्स भी लगा दिए एंड रैट भी इंस्टॉल कर दिए उन्होंने हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। मालवेयर आर बीन ड्रॉप ऑन विक्टिम्स कंप्यूटर विच अनेबल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेस इंटरेक्शन विद दोज। सो यार काफ़ी सीरियस टॉपिक है ये, इसको पता नहीं लोग कवर क्यों नहीं करते। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वही पाकिस्तान के बारे में जो मैंने बताया था कि वहाँ का भी कुछ है। सो डिस्प्ले पे है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। एंड ये दूसरा भी है जिसके अंदर वही सेम पॉइंट्स होंगे, बट दोनों आप जाके खुद से रीड करके देख सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि यार ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी सीरियस कंसर्न है यार कि वो लोग ऐसे साइबर अटैक्स कर रहे हैं। एंड डिफेंस सेक्टर में तो उनका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वैसे डरने वाली ज़्यादा बात कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े हैकर्स हैं जो इस चीज़ को रोक लेंगे। बट अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे इससे। सबसे पहली बात, चाइना के जितने भी ऐप हैं आपके फ़ोन में आप सबको रिमूव कर दीजिए, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो पबजी हो, प्लीज़ चाइनीज़ ऐप को ना यूज़ करें, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स जो भी हैं आई थिंक उनका सारा कंट्रोल उनकी गवर्नमेंट के पास होगा, एंड अगर वो चाहे तो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, इवन उसका फ़ोन हैक करा सकते हैं, क्योंकि उनके जो ऐप्स होते हैं वो सारी परमिशन लेते हैं आपकी फ़ोन की, कॉन्टैक्ट्स की, कैमरास की, ऑलमोस्ट सारी परमिशन लेते हैं। और अगर आप उनके ऐप्स को अपने फ़ोन की सारी परमिशन दे देंगे तो 1 मिनट नहीं लगता फ़ोन को हैक करने में सारी परमिशन देने के बाद। तो पहला तो ये हो गया कि आप जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं अपने फ़ोन से निकाल दें। सेकंड हम लोग मूव करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मलिशियस लिंक आता है आपके ईमेल पे, मैसेजेस पे, इवन व्हाट्सएप पे भी लोग ऐसे APK फाइल शेयर करते हैं और लिखते हैं कि फ्री एंटीवायरस, बहुत सारी चीज़ें APK फाइल में वो लोग शेयर करते हैं आपके ग्रुप में, इवन आपके फ्रेंड्स भी फॉरवर्ड कर देते हैं, और कभी कभी अननोन से भी आ जाता है कि फ्री एंटीवायरस ये सब, तो प्लीज़ उनको अपने फ़ोन में ना इंस्टॉल करें। एक ऐप इंस्टॉल करने की वजह से आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो सकता है, आपकी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम फेस पड़ सकती है। सो ऐसे किसी APK फाइल को डाउनलोड ना करें, मलिशियस लिंक पे क्लिक ना करें, वो शायद के सारे फिशिंग लिंक्स होते हैं, ईमेल पे आपको आएगा कि ये वाला लिंक है इसको ओपन कर लो ये हो जाएगा, तो ऐसे किसी भी लिंक को अभी ना छुएं, पूरी तरीके से उसको इग्नोर करें। एंड एक और सबसे बड़ी बात, जो आरोग्य सेतु ऐप है तो उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आपके पास नॉर्मल मैसेजेस में ऐसे बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़ ये वो, एंड ईमेल पे भी आ सकता है, व्हाट्सएप पे भी, इवन आरोग्य सेतु का कोई और APK फाइल बना के उसके सेम जैसा आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा देंगे वो लोग। सो आरोग्य सेतु अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, और बाहर से कहीं से भी डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, अपने आप को बचा के रखो ऐसे टाइम पे, एंड इन हैकर वगैरह से थोड़ा बच के। टिकटॉक पर भी लोग कई सारी वीडियो बना रहे हैं कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, सो हाँ यार ये न्यूज़ सच है, साइबर अटैक्स तो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं कि हम नॉर्मल लोगों पे भी वो साइबर अटैक्स करेंगे, ज़्यादा करके उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ टारगेटिंग एंटिटीज़ लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री, रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL, माइक्रोमैक्स, सिप्ला, सन फार्मा, यार बहुत बुरा कर रहे हैं ये लोग तो।
सो आप करें, चाइनीज़ ऐप को बैन करें, चाइनीज़ सामान को बैन करें एंड अपना खुद का ख्याल रखें, अपने आप को बचा के रखें, ऑनलाइन भी बचा के रखें और ऑफलाइन भी अपने आप को बचा के रखें, मास्क वगैरह लगाएं, ज़्यादा बाहर ना निकलें। सो ये सारी कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया, और हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर मैं एक और नई वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर जागरूकता लाना कि कैसे अपने आप को ऑनलाइन भी बचा सकते हैं वो। और करते हैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और करते हैं इसको ख़त्म।